अगर ऐसी बात है तो हम सब आपके साथ हैं। अगर ऐसी बात है तो उसे पहले बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बिना जा सकते हैं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं अगर ऐसी बात है तो? चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ दैट्स द केस। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इफ़ दैट्स द केस, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम सब आपके साथ हैं। इफ़ दैट्स द केस वी आर ऑल विथ यू। इफ़ दैट्स द केस वी आर ऑल विथ यू। अगर ऐसी बात है तो उसे पहले बताना चाहिए था। If that was the case, he should have told earlier. ये सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हमने वाज यूज़ किया। अगर ऐसी बात है तो उसे अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। If that's the case, he should start his own business. अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बिना जा सकते हैं। If that's the case, you can go without me. अगर ऐसी बात है तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। If that's the case, we should also help them.